विश्व स्वच्छता संकट से निपटने के लिए कार्रवाई को प्रेरित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा आज आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय पालन दिवस मनाया जा रहा है। दुनिया भर में 4.2 बिलियन लोग सुरक्षित रूप से प्रतिबंधित स्वच्छता के बिना रहते हैं और लगभग 673 मिलियन लोग खुले में शौच करते हैं। विश्व शौचालय दिवस को 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा अनौपचारिक रूप से स्थापित किया गया था। आइए इस संबंध में और जानकारी लेते हैं इस रिपोर्ट से। विश्व शौचालय दिवस 2024 की थीम है शौचालय शांति के लिए एक स्थान। यह थीम दुनिया भर के अरबों लोगों के लिए शांति, सम्मान और सुरक्षा को बढ़ावा देने में सुरक्षित स्वच्छता के महत्व पर जोर देती है। 2030 तक सभी के लिए सुरक्षित शौचालय सतत विकास लक्ष्य 6 के लक्ष्यों में से एक है। 3.5 बिलियन लोग अभी भी सुरक्षित रूप से प्रबंधित स्वच्छता के बिना रहते हैं, जिनमें 419 मिलियन लोग शामिल हैं जो खुले में शौच करते हैं। विश्व शौचालय दिवस 2024 अभियान सरकारों से ये सुनिश्चित करने का आह्वान करता है कि स्वच्छता और जल सेवाएं लचीली, प्रभावी, सभी के लिए सुलभ और नुकसान से सुरक्षित हों। इस दिन की स्थापना 2001 में विश्व शौचालय संगठन द्वारा की गई थी और 2013 में इसे संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक कर दिया। विश्व शौचालय दिवस व्यक्तियों, संगठनों और समुदायों के लिए एक मंच है जहां वे एक साथ आते हैं, जानकारी साझा करते हैं। शौचालय निर्माण में आज भारत दुनिया के लिए एक नजीर बन गया है। 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत से पहले स्वच्छता का प्रतिशत 39 था, वहीं आज यह आंकड़ा 100% है। स्वच्छ भारत अभियान चरण 1 और चरण 2 में गांव से जिले और जिले से राज्यों ने खुद को ODF और ODF+ घोषित किया। स्वच्छ भारत के अंतर्गत तकरीबन 12 करोड़ शौचालयों का निर्माण हुआ। यूनेस्को के रिपोर्ट के मुताबिक शौचालय बनने से प्रत्येक ग्रामीण परिवार के बीमारी पर खर्च होने वाले 50,000 रुपए की बचत हुई है। WHO का कहना है कि स्वच्छ भारत अभियान खत्म होने तक डायरिया से तकरीबन 3 लाख बच्चों की जान बचाई जा सकी। गाँव में शौचालयों के निर्माण से ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुधरी और लोगों को रोजगार मिला। रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान के तहत 1 मिलियन से अधिक शौचालयों का नवीनीकरण किया गया।